वाह गुरु, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु, गुरु दी परम प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, गुरु साहिब दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो ते गज के बोलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, परम पिता परमात्मा ने जदों इंसान दी, बंदे दी, मनुख दी कह लो, जदों साजना की ते उस साजना दे समय इस मनुख दे तन दे अंदर एक रूह गुफा दे विच बिठाई और पवन दे बाजे दे नाल उस नूं, गुरु साहब कहिंदे आ, वाजा पवन वजाया, बोलण लाई और इस संसार दे उत्ते भेज दिता कर्म करन वास्ते। और इस रूह दे अंदर, साडे तन दे अंदर, साडे मन दे अंदर परम पिता परमात्मा ने 40 हट्टियां दा जिहड़ा समान है, कुछ छज्जे हटनाले थड़ियां भाव छोटियां दुकानां, हट्टियां वड्डियां दुकानां कर्मां दियां, ओह इह साडे शरीर दे विच ही पैदा कर दित्तियां। जिहड़ा मनुख दी सुरती जिस कर्म वल जांदी है, वह मनुख, वह रूह, वह मन उस कर्म विच लिपाए मन हो के वह कर्म करना शुरू कर दिंदा है। चाहे वह नाम सिमरन करता होवे, चाहे वह परमात्मा नाल मिलन की इच्छा रखता होवे, जग्यासा रखता होवे, पाए वह पाप कर्म करता होया नरक के रस्ते वल पापां की खट्टी करता होवे, कुछ भी करे, चाहे वह अमृत नाम सिमरन करके अमृत रस का रसिया होवे, ये सारा कुछ गुरु साहिब ने, जिथे गुरु साहिब ने साडे अंतर रूह दे विच, अंतर हिरदे दे विच अमृत नाम दी एक खेप जिहड़ी है, अमृत नाम दा एक भंडार जिहड़ा है वह पाया होया है, उत्थे ही गुरु साहिब परम पिता परमात्मा ने साडी साजना, साडी रूह की साजना करदिया, साडे देह की साजना करदिया, साडी रूह नूं देह दे विच विराजमान करदिया पंज दुष्ट जिहड़े है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिन्हां नूं असीं कहिंदे आ, इह वी साडे हिरदे दे विच, साडी रूह दे विच नाल ही पा दित्ते। लोभ त्रिशना लालच जोर धक्का अन्या बदनीति निंदिया चुगली अनेक ही हट्टियां जड़ियां है परमात्मा ने इस अंतर शरीर दे विच बना के रख रखी है। जेड़ा कोई जेड़ी हट्टी का शटर खोलता है उसे का सौदा विकना शुरू हो जाता है। हुण सतसंग जी, अमृत नाम की प्राप्ति भी साढ़े अंदर है, अमृत ही साढ़े अंदर है, परम पिता परमात्मा आप भी साढ़े अंदर है, और जिहड़ा है धर्म दया संतोख सच और होर गुण जिहड़े है, शुभ गुण जिहड़े है वह भी साढ़े अंदर परम पिता परमात्मा ने पाए हुए हैं। माया के त्रै गुण भी इस दे विच ही है। और सतसंग जी, ये बंदा आया सी नाम सिमरन करके अमृत रस की प्राप्ति करके परम पिता परमात्मा दे नाल अभेद होण वास्ते, परमात्मा नूं लभण वास्ते, परमात्मा नाल मिलन करन वास्ते, पर ये आके चक्कर दे विच ऐसा पिया इस संसार दे विच, इस मात लोक दे विच कि इहनूं माया ने ऐसा चक्कर पाया, ऐसे भुलेख्या दे विच पाया कि यह परमात्मा दा विसारा कर बैठा और परमात्मा नूं भुल ही गया कि मेरा ये जिहड़ा शरीर है, मेरी जिहड़ी ये रूह है, ये रूह ये भुल ही गई कि मैं परम पिता परमात्मा दी अंश हाँ।
मैं परम पिता परमात्मा तो विछोड़ के परमात्मा ने मैनू नाम सिमरन करने वास्ते भेजा होया है, और मैं नाम सिमरन करके अमृत रस की प्राप्ति करके उस परम पिता परमात्मा दे नाल मिलन करना है। पर साध संगत जी, अमृत रस तो असी भुल जाने हैं, और सानू माया दे त्रै गुण जेड़े है वह ऐसे चक्कर दे विच पाउंदे है, पंज दूत इन्हां दे नाल माया दे रजो तौणा दे नाल रल के काम क्रोध लोह मोह हंकार सानू ऐसे भरम दे विच फसा लैंदे है कि सानू परम पिता परमात्मा वल नहीं जान दिंदे। तो साध संगत जी, सारे खेल दे विच सब तो वड्डे दुश्मन जेड़े है ये पंज गुण और तीन गुण माया दे जेड़े है ये साडे दुश्मन है, ये सानू परम पिता साडी रूह नू परम पिता परमात्मा नाल मिलन नहीं कर देंदे, और सानू इस रूह नू भरमा के अपने चंगल दे विच फसाई रखदे आ। और पंज दूत जेड़े काम क्रोध लोह मोह हंकार है ना, जेड़ा साडा अमृत परमात्मा ने साडे अंतर हिरदे दे विच पाया होया है, वह पाया तो सी साडे रस की प्राप्ति वास्ते, पर यह काम क्रोध लोह मोह हंकोर ज हंकार जेड़े है ना ये उस अमृत नू लुट लेंदे आ, ये साडी रूह नू पता ही नहीं लगता कि मेरा अमृत लुटिया जा रहा, और जो ये लुट जाती है उदों इस नू पता लगता है कि मैं तो कुछ भी ना खटिया इस संसार के उत्ते आके, मैं तो पाप ही खटे, मैं आई सी नाम सिमरन करने वास्ते पर इत्थे मैं पाप ही पाप खटे, कोई धर्म तो कमाया ना। इस तरह के नाल पंज दूत जिहड़े है हुण साध संगत जी ये साडे दुश्मन है, और इन्हां तों असीं बचण वास्ते की करना है, सानू साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी कुछ रस्ता सानू दसदी है कि भाई गुरमुख प्यारिओ, अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई। गुरबाणी जिथे दसदी है उत्थे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी पहला गुरु नानक देव जी ने चरण पहल दे रूप दे विच सानू ये अमृत नाम की प्राप्ति बख्शी, और साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत बख्श के पंज प्यारियां नू खालसा बना के अमृत की दात बख्श के निहाल कर दिता, और रस्ते नू सीधा गाड़ी राह बना के गुरु साहिबाना ने इस रूह नू उस राह दे उत्ते चलाउन दी एक विध बना दिती कि ये रूह जदों ये परम पिता परमात्मा का नाम सिमरन करेगी उदों इस रूह दे उत्ते ये पंज दूतां का कोई जोर नहीं चलेगा, जो काम क्रोध लोह मोह हंकार जिहड़े है ये पंज दुष्ट जिहड़े दुश्मन है साडे ये कुछ नहीं कर सकणगे, और जो माया का त्रै गुण है रजो तमो समतो सतो ये भी जिहड़े है ये बेअसर होके रह जाणगे, और परमात्मा का नाम सिमरन करती हुई रूह जिहड़ी है वो सचखंड के द्वारे ते पहुँच के परम पिता परमात्मा के दर्श दारे कर लवेगी। तो साध संगत जी, हुण असीं ये पंज दूतां तो बचण वास्ते की करना है, पंज दूत और अवगुण जिहड़े है साडे हटाया नहीं हटदे, असीं किवें भी किन्ने भी सुचे बन जाइए किन्ने भी निर्मल बन जाइए किन्ने भी ये बचन कर लिए कि असी कोई पाप कर्म नहीं करना, पर मल्लो मल्ली पाप कर्म हो जाते हैं, मल्लो मल्ली काम क्रोध लोह मोह हंकार के कर्म हो जाते हैं, मल्लो मल्ली रजो तमो दे विच फस के असी अपने आप नू संगलां दे नाल बना लैने, जमां दी मार दे विच असी अपने आप नू फसा लैने, और 84 लाख जूनियां दा भोग जिहड़ा है सानू कष्ट भोगना पैंदा है। तो साध संगत जी, इन्हां कष्टां तो बचण वास्ते, इस दुख तो जमां दे दुख तो बचण वास्ते, काम क्रोध दे दुश्मनां तो दुष्टां तो बचण वास्ते सानू लोड़ है, गुरु साहिब ने सानू समझाया कि भाई गुरमुख प्यारो, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच पंज प्यारियां तो अमृत नाम की प्राप्ति करो, अमृत नाम की प्राप्ति करके तुसी उस नाम का सिमरना करो, गुरबाणी का नित नेम करो, गुरबाणी रोज़ पढ़िया करो, परमात्मा की सिफत सलाह करया करो, और 24 घंटे अठों पैर सास ग्रास
सास सास परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए तुसी उस परम पिता परमात्मा दे नाल मिलन कर लोगे, तुहाडी रूह दे उत्ते काम क्रोध लोह मोह हंकार का जिहड़ा जोर है धक्का है वो सानू भरमाउंदे है जिस तरीकियां दे नाल ओ जोर धक्का नहीं चलेगा और ये दुष्ट जिहड़े है बेकार हो जाणगे। ये साडे उत्ते कोई भी साडी रूह दे उत्ते कोई भी हमला नहीं कर सकणगे, साडी रूह नू भरमा नहीं सकणगे, साडी रूह नू पटका नहीं सकणगे। ये काम क्रोध लो मोह हंकार अपने आप ही जिहड़ा है परमात्मा का नाम सिमरन करिया, जिवें जिवें असीं परमात्मा का नाम सिमरन करते रहांगे इवें इवें ही मतलब साडा जिहड़ा है काम क्रोध लोह मोह हंकार जिहड़े है ये दुश्मन जिहड़े साडे है ये शिथल पैंदे जाणगे, कमज़ोर हुंदे जाणगे और अखीर मिट्टी दे विच जिवें कोई चीज़ धस जाती है इस तरह यह धरती दे विच इस रूह जिहड़ा साडा शरीर है इस दी धरती दे विच ही इस वी तुसीं देखिया ना कि लकड़ दा किल असीं गड़दे हां ते जदों पूरा ना गड्डिया जावे तो उपर रड़कदा रहिंदा मेख जिहड़ी हुंदी है, तो जे किते सुंबा लैके इस नूं लकड़ दे अंदर तिकर ठोक दिता जावे तो फिर ये उपर इस दे मतलब एक लेप कर दिता जावे मुलायम तो फिर ये जिहड़ा ना किला जिहड़ा है किल जिहड़ी है लकड़ दे विच ठोकी हो ये किसे नूं तंग नहीं करदी। यही हाल साडे ये पंज दूतां दा है जदों असीं नाम दा सुंबा लैके इन्हां नूं ठोकदे हाँ तो ये जिहड़े है ये अंदर तिकर तस जांदे आ और फिर मुड़ के ये उपर उठन जोगे नहीं रहिंदे और साडे पाप कर्म जिहड़े है असीं इन्हां तों बच जांदे आ और सानूं ये पापां कर्मां दे विच नहीं फसा सकते। रजो तमो दी जिहड़ी अवस्था है वह भी साडे उत्ते फिर असर नहीं करती जदों साडे अंतर हिरदे दे विच परमात्मा का नाम हुंदा है। परमात्मा का नाम जिहड़ा ये अमृत रस है और नाम निदान है, निदान मतलब खजानिया का रूप है, तो इस तरह के नाल साडे अंतर हिरदे दे विच नाम अमृत रस की प्राप्ति का एक खजाना बन जाता है जिहड़ा कि ये काम क्रोध लोह मोह हंकार नूं कोई भी साडे उत्ते जोर करन दा मौका नहीं बख्शदा। इहदा नाम दे सिमरन करिया ये काम क्रोध लोह मोह हंकार जिहड़े है ये शरीर दे विच ही तस जांदे और इन्हां दी थां दे उत्ते ये एक धर्म गुण जिहड़े है जिहड़े कि सानू परम पिता परमात्मा दे नाल मिलन दे विच सहाई हुंदे है वह साडे हिरदे दे विच पैदा होने शुरू हो जांदे। की हुंदा है काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये बराबर ही धर्म दया संतोख सच और धीरज इन पंजा अवगुणा दे पंजा दुष्टा दे मुकाबले दे विच सत गुण जिहड़े है जिहड़े कि परमात्मा दे मिलन विच सानू साडी रूह नू सहाई हुंदे है। धर्म दया संतोख सच और धीरज जिहड़े है वह पैदा हो जाते हैं। गुरु साहब ने कहा ना तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जनसूत, ये तीन गुणा की बहुतात हो दो गुण अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, यानी पांच गुण धर्म गुण जिहड़े है साढ़े ये पांच दुष्टा नू मार के पांच दुष्टा नू हरा के साढ़े शरीर दे विच प्रबल हो जाते हैं और ये अपना जिहड़ा कर्म जिहड़ा है साढ़ी रूह नू धर्म के रस्ते लगा के दया के रस्ते लगा के संतोख सबर संतोख के रस्ते लगा के सच और धीरज की जिहड़ी प्राप्ति कर लेंदे है परमात्मा की प्राप्ति कर लेंदे है। इस तरह के नाल ही ये माया के त्रै गुण जिहड़े है ये भी नष्ट हो जाते हैं, यानी बल नहीं साढ़े रूह के उत्ते बल नहीं कर सकते। तो इस तरह के नाल भाई असी परमात्मा का जो नाम सिमरन करते हैं ना तो ये पंज दुष्ट जिहड़े है ये ठाके जाते हैं साढ़े जोर नाल। जे असी अपनी मर्जी नाल अपनी मत नाल कहीए कि असी रजो तम तो बच जाइए सतो गुण तो बच जाइए माया दे त्रै गुणा तो बच जाइए माया तो बच जाइए तो फिर साढ़े वस की रोग नहीं है जिन्ना चर साढ़े कोले नाम सिमरन नाम अमृत की प्राप्ति नहीं है। इवें जिक्रिए काम क्रोध लो मोहकार भी असी अपने जोर नाल अपनी बल नाल अपनी सूझ नाल नहीं खत्म कर सकते, इस नूं परमात्मा का नाम जिहड़ा है वह सिमर कई बार सिमरन करिया ही ये दुष्ट जिहड़े है ये मिट जाते हैं। कई बार असी जो विचार करते हैं तो लोग कहिंदे है जी हाले असी अमृत नहीं छकना असी हाले तो बहुत
अवगुणा दे विच्चा पहला असी अपने आप नूं शुद्ध कर लीए, अपने मन नूं शुद्ध कर लीए, अपने अंदर कोई गुण पैदा कर लीए। और साधसंगत जी ये तुहानूं दस दिए कि तुसी ना अपने जोर नाल अपने अंदर गुण पैदा कर सकते हो, अपने जोर नाल ना तुसी पंज दुष्टां नूं रोक सकते हो, ना ही माया दे चक्कर चों तुसी बच सकते हो। ते बचदा जिहड़ा है वह परमात्मा की कृपा नाल नाम ने। जदों असी नाम चाहे असी औगण हारे हाँ, सब गुण तेरे मैं ना ही कोए, बिन गुण कीते भगत ना होए। परमात्मा की सिमरना कीते बिना भगती नहीं पूरी हुंदी, भाव परमात्मा का मिलन नहीं हुंदा, परमात्मा किसी भी तरीके नाल खुश नहीं हुंदा। और गुणा की प्राप्ति भी परमात्मा के नाम ज सिमरन करिया हुंदी है। भावें असी औगण हारे हाँ पर गुरु तो जदों असी नाम अमृत की प्राप्ति कर लैने हाँ, और उदों असी नाम सिमरन गुरु की कृपा नाल जो सानू नाम मिलिया है उसका जदों असी सिमरन करते हाँ, जदों नितनेम करते हाँ, जदों असी गुरबाणी पढ़ते हाँ, उदों गुरु की कृपा ऐसी हुंदी है कि साढ़े अंदर जो दुष्ट एक सानू परमात्मा के मिलन के रस्ते दे विच अड़िका ला रहे हैं, भरमार रहे हैं, सानू ये काम करना बंद कर देंगे और अपने आप को मिटा लेंगे। नाम के सिमरन के सदका ये मिट जाते हैं और नाम के सिमरन के सदका इन्हां दी थां दे उत्ते धर्म, दया, संतोख और सच और धीरज पैदा हो जाते हैं, जो कि सानू परमात्मा के नाल मिलन दे विच सहाई हुंदे हैं और असी परमपिता परमात्मा के दर्श दारे कर लैंदे हैं। तो साध संगत जी, माया दे जिहड़े गुण है ये भी नाम सिमरन करिया ही साढ़े मन चो बाहर होंदे आ, वरना ये सानू अपने भरम दे विच फसाई रखते हैं। तो कारण ये है कि साध संगत जी एक गल होर दस दईए कि जो असी नाम सिमरन करना है ना, तो बहुत लोगों नू आदत होंदी है कि अज आ गुरु तो नाम ले लिया जी, असी कई कु दिन नाम सिमरन किया दिता होया गुरु का, फिर नवा कोई गुरु धारण कर लिया उस तो नाम सिमरन ले लिया, फिर नवा गुरु कोई धारण कर लिया उस तो नाम सिमरन ले लिया। इस तरह करते करते सारी जिंदगी इस तरह ही भज्जे फिरते रहेंगे, भटकते फिरते रहेंगे, कोई भी नाम जिहड़ा उन्होंने तारदा नहीं है। एक गल का ध्यान रखना है कि जदों असी चाहे औगण हारे हाँ, जदों असी परम पिता परमात्मा की हजूरी दे विच, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा का स्वरूप है, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, आदि श्री गुरु भाव परम पिता परमात्मा है गुरु ग्रंथ साहब जी। और जदों असी इस दी हजूरी दे विच बैठ के पंज प्यारियां तो, क्योंकि पंज प्यारे भी गुरु ग्रंथ साहब की आवाज़ सानू दिंदे आ, और इन्हां तो जदों असी अमृत छकदे हाँ तो ये अमृत की बख्शिश ऐसी हुंदी है कि ये साढ़े सारे औगणा नूं मेट के, सारिया दुष्टां नूं मेट के, पंज दूतां नूं मेट के, माया दे चक्करां नूं मेट के, सानू परम पिता परमात्मा दे नेड़े वल लै जांदे आ, उस रस्ते दे उत्ते, सच दे रस्ते दे उत्ते चलाउणा शुरू कर दिंदे आ। ये नाम सिमरन की प्राप्ति ऐसी होंदी है। तो साध संगत जी कदे भी ये नहीं सोचना कि असी फिर नाम सिमरन करांगे, असी पहला शुद्ध हो लईए, नहीं। जदों भी अवस्था मिलती है तुहानूं परम पिता परमात्मा वल्लों हुक्म आउंदा है कि भाई फलाने थां ते अमृत छकाया जा रहा है, तो उत्थे नाम अमृत छक लो, अमृत छक के नितनेम करना शुरू कर दिओ, गुरबाणी पढ़नी शुरू कर दिओ, परमात्मा ते दृढ़ निश्चय कर लो, परमात्मा ते विश्वास कर लो और परम पिता परमात्मा की शरणागत हो के परमात्मा नाल प्यार करना शुरू कर दिओ। और जिहड़ा प्रेम तुहाडे हिरदे दे विच पैदा होएगा, तुहाडी भावना जिहड़ी पैदा होएगी प्यार वाली, वह परम पिता परमात्मा नूं मिला देगी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानूं यही बख्शिश की है, कहिंदे वी जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, साच कहूँ सुन लिहो सवे, सारे सुन लो भाई मैं सच कही जाना यह गल, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बख्शिश करते हैं सानू कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो सतसंगत जी इस तरह के नाल बार बार गुरु नहीं बदलना, एक बारी जे तुसी अमृत छक लिया गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच गुरसिख बन गए तो फिर सारी जिंदगी उस अवस्था नूं निभाओ, बार बार गुरु बदलन की लोड़ नहीं है। दूसरी गल है कि जो तुसी नाम सिमरन करना शुरू कर दिता है, जिवें वाहगुरु ही शुरू कर दिता है, तो फिर वाहगुरु ही सारी उम्र तिकर नाम सिमरन करना है, होर सिमरन जिहड़ा कोई नहीं करना।
हाँ गुरबाणी दे मुताबक जे असी गुरबाणी पढ़ के गुरबाणी दे भावां नूं समझदे हाँ गुरबाणी नूं मनदे हाँ परम पिता परमात्मा दे कर्म नूं मनदे हाँ बख्शिशां नूं मनदे हाँ ये वक्री गल है जां असी मूल मंत्र दा पाठ करदे हाँ पर नाम सिमरन जदों करना उदों नाम सिमरन वाहिगुरू दा ही करना जे वाहिगुरू रख लिया तो वाहिगुरू दा ही करना है ते जे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सवभंग गुरप्रसाद मूल मंत्र दा रख लिया तो मूल मंत्र दा ही करना है जे गुरमंत्र दा रख लिया तो गुरमंत्र दा ही करना है नाम बारी बारी बदलना नहीं है सारी जिंदगी दे विच एक बारी जे नाम तुसी जो चुन लिया है जे वाहगुरू चुन लिया तो वाहगुरू नाम ही सिमरन करना और उस दी भी विधि जिहड़ी है वो गुरु साहब की कृपा नाल गुरु साहब ने सानू समझाई हुई है गुरु साहब कहिंदे आ गाविया सुनिया मन रखिया भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन जदों इस तरह की अवस्था गुरमुख के अंदर हिरदे दे विच आउंदी आ गुरमुख नाद रूप हो जाता गुरमुख वेद रूप हो जाता है एडा प्रकाश ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाता है कि गुरमुख जिहड़ा है वह वेद सारे वेदा का ज्ञाता हो जाता है प्रकाश का नाद का स्वरूप हो जाता है तो अगे गुरु साहब ने कहा सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल लाओ तो फिर नाल ही गुरु साहब ने कहा सब साढ़े च कोई गुण नहीं है सब गुण तेरे मैं ना ही कोई सब गुण तेरे हे परम पिता परमात्मा सारे गुण तेरे है मेरे विच कोई गुण नहीं है सब गुण तेरे मैं ना ही कोई बिन गुण कीते भगत ना होए गुणा की प्राप्ति कदों होनी है साढ़े कीत्या गुणा की प्राप्ति नहीं होनी असी कोशिश करनी है सच वाले रस्ते नूं जाण दी कूड़ नूं छड्डना है असी कोशिश करनी है असी कोशिश करनी है कि गुणा की भरपूरी साढ़े अंदर हो जाए पर साढ़े जोर नाल कुछ नहीं होना असी परमात्मा का ओट आसरा लैके परमात्मा का नाम सिमरन करके परमात्मा नूं बेनती प्राप्त होवे सानू तेरे दस दारे प्राप्त हो सच्चे पातशाह सानू गुणा की भरपूरी होवे असी तेरी शरण दे विच सच्चे पातशाह अपने आप नूं सवार लईए सानू ऐसी मत बख्श साडी मत थोड़ी है सच्चे पातशाह कृपा करो सानू सुमत बख्शो ये बेनतियां असी करनियां ते परमात्मा की कृपा नाल साढ़े सारे कार्ज जिहड़े आ सवारे जाने सानू अवगणा तो भी परमात्मा बांह फट के दूर कर देगा काम क्रोध पंज दूतां तो भी दूर कर देगा माया तो भी दूर कर देगा और परमात्मा बांह फट के अपने चरणों के विच साडी सुरती लिव जिहड़ी रूह की लिव है वो लिव जिहड़ी है अपने चरणों के विच जोड़ जाएगा परमात्मा की कृपा नाल ही होएगा सब कुछ साढ़े जोर नाल कुछ नहीं होएगा तो साध संगत जी असी जो ये ध्यान रखना है कि जो असी पंज दूतां नूं ये कोशिश करनी है कि ये साढ़े अंदर कर्म ना करन बदकर्म ना करन कुकर्म ना करन पाप कर्म ना करन ते उदों सहारा लेना है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच जो नाम अमृत की असी प्राप्ति की है उस नाम सिमरन करन दा सहारा लेना और नाम सिमरन ज़्यादा तो ज़्यादा अठे पैर चौबी घंटे अणदिन साथ साथ सिमर के मतलब जिहड़ा कि असी उस नाम की बख्शिश नूं प्राप्त करना है ता कि ये पंज दूत जिहड़े साढ़े ते कोई जोर ना कर सकन इस तरह के नाल ये पंज दूत जिहड़े मिट जाते हैं और धर्म दया संतोख सच जिहड़े आ सानूं परम पिता परमात्मा नाल जोड़न दे विच सहाई हो जाते हैं साढ़े ये सहारे बन जाते हैं तो साध संगत जी इस तरह के नाल एक गल तुहानूं होर कहनी चाहनी है कि बहुत गुरमुख प्यारे जिहड़े है जिहड़े ने नाम भी प्राप्ति की हुंदी है पर वो एक भरम दे विच लै जांदे है कि जदों वाहिगुरू नाम पंज प्यारे सानूं बख्शदे है ना उदों तां सास ये समझदे हैं कि वाहिगुरू नाम क्या है सानूं असी सिमरन करना पर बहुत होर लोगों के मगर लग के असी बख्शिश भुल जाने हैं हुक्म जो पंज प्यारियां दा है परमात्मा दा है वह भुल जाने ते असी सिमरन करना शुरू कर देने सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सत संग जी ये सतनाम दा अर्थ है सच्चा नाम ते अगे क्या वाहेगुरु यानी गुरु साहब सानू ये समझाउंदे आ जदों ये सिमरन चालू किया गया ना उदों ये कहा गया भाई जिहड़ा जे वाहिगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू ये दस्या कि जिहड़ा असी वाहिगुरु नाम तुहानू दिता ना ये सतनाम ही है ये वाहिगुरु नाम भी सच्चा नाम है इस करके इस वाहिगुरु नाम का सिमरन करो या साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जो सचखंड के पार ब्रह्म गुर परमेशर पार ब्रह्म तो अमृत नाम की प्राप्ति करके
जपजी साहब की शुरुआत दे विच और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी की शुरुआत दे विच जो मूल मंत्र उच्चारण किया है उस दे विच भी परमात्मा ने कहा कि एक ओंकार। पहला तो परमात्मा ने यह दसिया गुरु नानक देव जी नूं कि जिहड़ा मैं परमात्मा का रूप हाँ, मैं ओम का ओम हाँ, ये मैं एक ही हाँ, होर नहीं हाँ। कार दा मतलब चारे पासे सारी सृष्टि दे विच, कुल सृष्टि दे विच, तिन्ना लोकां दे विच, इत्थों तक के लखां पतालां आकाशां दे विच भी मैं एक रूप हाँ। मैं एक परमपिता परमात्मा हाँ, एक ओंकार। फिर उन्होंने एक ओंकार के गुणा की व्याख्या की है कि यह सतनाम भी है, एक ओंकार ही सच्चा नाम है। भाव सच्चा नाम का मतलब परमपिता परमात्मा का नाम सच्चा यही है, परमात्मा का एक ओंकार नाम है और यह सतनाम है, यह सच्चा नाम है। और इस तरह ही वाहगुरु जो असं सतनाम वाहगुरु कहने हैं उसका अर्थ भी यही है। पर नाम सिमरन दे विच नहीं, क्योंकि जो पंज प्यारियां ने सानू बख्शिश कर दिती, हुक्म लगा दिता कि तुसी वाहगुरु नाम दा सिमरन करना है ते उसनू ही सत मनना सी जो सानू वाहगुरु कहा गया, क्योंकि वाहगुरु बीज मंत्र है, वाहगुरु बीज मंत्र है, छोटा रूप है। और बीज जिवें दरख्त बन के फिर वो दरख्त भी उस बीजा के फलों नाल भर जाता है, इस तरह ही वाहगुरु नाम जिहड़ा है ये साढ़े अंतर हिरदे दे विच दरख्त बन के अंतर इस शरीर दे विच भी तन भी साडा शुद्ध हो जाता, मन भी साडा शुद्ध हो जाता इस नाम सिमरन ने करिया। ये बीज बन के फिर जिहड़ा बहुत वड्डा फलदार वृक्ष बन जाता है और अनेक परमात्मा की कृपा नाल इस दे फल जिहड़े आ उस रूप दे विच वाहगुरु रूप दे विच सानू प्राप्त होने शुरू हो जाते। तो इस तरह के नाल कई बार बहुत लोग कहिंदे हे वाहेगुरु, कई बार होर अंग ला देंदे वाहेगुरु दे नाल। नहीं भाई, वाहेगुरु कल्ला ही नाम सिमरन है जिहड़ा कि तुहानू परम पिता परमात्मा दे मिलन दे विच सहाई हुंदा है और पंज दूतां नू जिहड़ा है नष्ट करदा है, मिटा दिंदा है माया दे चक्करां तों, तुहानू कढ के तुहानू सच दे रस्ते ते लगा के परमात्मा दे दरस दारे करवा दिंदा है। ये नाम सिमरन नू भाई इस तरह नाल तुसीं जे शुद्धि दे नाल, सुरती दे नाल, परमात्मा नाल लिव जोड़ के विधि दे नाल, इहदी भी एक जुगत है, ये जुगत लै के जुगत है गावी है सुनी है, जो असी ये गाउणा है उदो सुनना भी है कन्ना दे नाल, और जो सुन लिया उदो मनना भी है इसनू सत करके दृढ़ करके, ते फिर अंतर हिरदे दे विच प्यार भी रखना है इस दे प्रति, क्योंकि परमात्मा दा नाम है। परमात्मा दे प्रति प्यार रख लिया, परमात्मा दे नाम दे प्रति प्यार रख लिया, परमात्मा दी बाणी दे प्रति, क्योंकि वाह वाह बाणी निरंकार है, बाणी ही परमात्मा है। इस तरह दे नाल प्यार जिहड़ा ना वह सानू जिहड़ा है सफलता दे वल अगे ले जाया जांदा और इत्थों तक करके परम पिता परमात्मा दे चरणां च ले जा के परम पिता परमात्मा दे दरस दारे करवा दिंदा है। तो साध संगत जी, इस तरह दे नाल साडा नाम जिहड़ा है वह सारे दुष्टां नू मारन दे विच सहाई है, समर्थ है। तो इस नाम नू भाई सुरती जोड़ के, लिव जोड़ के, ध्यान दे नाल परमात्मा दे चरणां दे विच सुरती जोड़ के वाहिगुरू 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 ये नाम सिमरन इस जुगत नाल करना है कि साढ़े अंदरले पासे जो पापां दी मैल भरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोहकार दा, जो दुष्टताई दा पाप दा खजाना भरिया पिया है, उसनू ये पवन गुरु जिहड़ी बाहर दी साडी ताजी पवन है वह वाहगुरु के नाम नाल, वाहगुरु के नाम की वाहगुरु के नाम की मोहर लग के जो अंदर जाएगी धुनी तिकर उदो साडे अंतर हिरदे दे विच जिहड़ी धुनी दे विच जिहड़ी है जो पापां दी मैल जिहड़ी इकट्ठी हुई है उहनू उखाड़ के गुरु के रूप के जो असी शब्द बोलांगे और बाहर मुख दे विचों कढांगे ते वह मैल भी गुरु के नाल, गुरु शब्द के नाल जिहड़ी है वह बाहर आ जाएगी। इस तरह के नाल साडा मन जिहड़ा है वह निर्मल हो जाता है, साढ़े पंज दूतां तो इस मन का छुटकारा हो जाता है, इस रूह का छुटकारा हो जाता है और ये रूह साडी जिहड़ी है निर्मल हो के परमात्मा का ही निर्मल अंश जिहड़ी है
शुद्ध रूप रूह जी है परमात्मा नाल मिलन कर लेंदी है। इस तरह के नाल भाई परम पिता परमात्मा की प्राप्ति सानू हो जाती है। इन्हीं विचारां दे विच सच्चे पातशाह कृपा करन जी तुहानू भी समझ आ जाए ते ए नाम सिमरन करदिया होया तुहानू परम पिता परमात्मा के दर्श दारे हो जाण। साक्षात परम पिता परमात्मा के दर्श दारे भी भाई हो सकते हैं प्रकाश रूप दे विच, क्योंकि परमात्मा दे तीन प्रकार नाल सानू दर्श दारे हुंदे है। एक अनुभव प्रकाश, दूजा सरूप प्रकाश, तीजा गुरु साहब कहते जोत प्रकाश। ये तीन तरह के अनुभव प्रकाश जिहड़ा है वह इस तरह है कि असी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा का जो सरूप है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उस दी शरण दे विच असी परमात्मा नूं बेनती लाई सच्चे पातशाह साडा फलाना कार्ज जिहड़ा है वह संवर जाए सच्चे पातशाह कृपा करो। संवर गया सानूं पता लग जांदा कि परमात्मा किते ना किते साडी आवाज़ नूं सुन रिहा किते ना किते है। ये दर्शदारे है अनुभव दर्शन। दूजा असी सरूप हिरदे दे विच इक धारण कर लिया और असी उस सरूप की पूजा करते हैं और उस सरूप नूं असी बेनती करते हैं सच्चे पातशाह साढ़े ते कृपा करो सानूं दर्शदारे बख्शो। जिवें बाबा आनंद सिंह जी नूं ये मशहूर है कि उन्होंने साहिब श्री गुरु नानक देव जी के दे दर्शदारे होए सी, जां जो कोई गुरु होर रूह जी है गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शदारे करना चाहती है और उन्होंने बेनती करती है, या कोई होर गुरु साहिबाना के गुरु तेग बहादुर जी को बेनती करता है, या कोई गुरु रामदास जी को बेनती, क्योंकि अमृतसर के लोग ज़्यादा गुरु रामदास जी को बेनती करते हैं। तो जिस भी रूह में असी बेनती करा उ रूह साडा सरूप धारण करके साढ़े कार्ज सवारेगी। इनू कहें सरूप दर्शन, सरूप प्रकाश दर्शन। तीजा दर्शन जिहड़ा है वह परमात्मा जोत सरूप है और उस जोत सरूप के दर्शन जो असी मन दे विच ये विचार कर लें कि असी उस परम पिता परमात्मा की भगति कर रहे हैं जो जोत सरूप है, जो सारी सृष्टि का करता है, जो सारी सृष्टि नूं दाता है, देन वाला है और सारी सृष्टि नूं जिसने बनाया है, साडी रूह नूं भी जिसने बनाया, असी उस परम पिता परमात्मा जोत सरूप नूं बेनती कर रहे हैं। तो उदों जो असी बेनती करते हैं दर्शदारियां दी तो वह जोत सरूप होकर सानूं दर्शदारे भी दिंदा है। पहला कोट सूरज का उजियारा होकर दर्शदारे दिंदा, फिर हौली हौली ये सहज रूप बन जाता है, चंद रूप का प्रकाश होकर सानू सहज शीतल रूप दे विच ये सानू साड़ियां खुलियां अखां दे नाल भी प्रकाश रूप दर्शदारे परम पिता परमात्मा दे हो सकते हैं। भाई इन्हीं विचारां सच्चे पातशाह कृपा करन भाई इस तरह के दर्शदारे तुहानू भी परम पिता परमात्मा कृपा करे हो जाण, वाहिगुरू कृपा करेगा। दास दी ये बेनती है सच्चे पातशाह सारिआं नूं सरबत दा भला करो, सच्चे पातशाह कृपा करो, कृपा करो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू कृपा करो सच्चे पातशाह, सब नूं भला करो, सब नूं दर्शदारे बख्शो सच्चे पातशाह जी। सब रूहां नूं जो तेरियां शरण है, जो तेरियां प्यारियां है, उन्हां नूं अपने चरणां दे विच जोड़ लो सच्चे पातशाह कृपा करो। इन्हीं विचारां करदा होया दास शमा दा जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, वाहिगुरू जोत चैनल नूं सबसक्राइब करो, सेंड करो, लाइक करो।